हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे मैंने 2021 के यूपी टेट की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें मैं ऑलरेडी दो क्लासेस ले चुका हूँ। और यहाँ पे मैं स्टार्ट में मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बता दिया था कि कौन कौन सी चीज़ें यूपी टेट में कहाँ कहाँ से आती हैं। सारी चीज़ें मैंने इंट्रोडक्शन की जो वीडियो ली थी पहली क्लास की, उसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई हुई हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर शुरू किया हुआ था मैथ। पहला सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर यूपी टेट में मैथ शुरू किया है, जिससे अगर आप लोगों का मैथ वीक है तो आप बहुत स्लो क्लास चलेगी, यहाँ पे आराम से क्लास चलेगी। पूरा बेसिक से लेके पूरा एडवांस तक पढ़ेंगे, एक एक चीज़ पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अपने पास जो है वो बहुत ही समय है। आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है कि 10 दिन में एग्जाम होने वाला है या 20 दिन में एग्जाम होने वाला है। तो आराम से पढ़िए, लेकिन बस पढ़ते रहिए। ये नहीं कि आप पढ़ना ही बंद करके आराम से बैठे हैं कि एग्जाम जब होगा तब पढ़ाई की जाएगी। बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ते रहिए। और ख़ास तौर से जब मैं यहाँ पे मैथ पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं और अच्छे से समझना चाहते हैं उस चीज़ को, तो कॉपी पेन लेके बैठिए, जिससे मैं जो आप लोगों को समझाना चाहता हूँ वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। तो जैसा कि मैंने बता दिया, यहाँ पे मैंने आप लोगों के सामने संख्या पद्धति स्टार्ट की थी, यानी कि नंबर सिस्टम स्टार्ट कर चुका हूँ। आज नंबर सिस्टम की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में जो नंबर सिस्टम के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को, वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया था, यानी कि रियल नंबर्स के बारे में बताया था, इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्याओं के बारे में बताया था, क्या क्या होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं काल्पनिक संख्याएं होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से वास्तविक संख्याओं को या फिर किस तरीके से काल्पनिक संख्याओं को आप निकाल सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये सारी चीज़ें मैंने पहली वीडियो में जो संख्या पद्धति की मैंने पढ़ाई है, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिटेल में बताया है। तो अगर आप लोग संख्या पद्धति पढ़ना चाह रहे हैं पूरा डिटेल में, संख्या पद्धति आप लोगों को लगता है कि बहुत सरल टॉपिक है, आप कर लेंगे, तो ये मान के चलिए अगर आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे एग्जाम में, तो 100% में बता दूं इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही। तो अगर आप लोग सही से नहीं पढ़ेंगे, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। एक बार अगर जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको देख लीजिए। 30 से 40 मिनट की वीडियो एक दिन की होती है एक क्लास, उसको आप थोड़ा सा तेज फॉरवर्ड करके देख लिया करिए अगर आप लोगों के पास समय कम रहता है। लेकिन वैसे इस समय सभी लोगों के पास समय होगा, सब लोग घर पर बैठे होंगे, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो में यहां पे हम देखेंगे जो चीज़ें देखेंगे वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो सम संख्याएं हों, चाहे वो विषम संख्याएं हों, चाहे वो आपके प्राइम नंबर्स हों, को प्राइम नंबर्स हों। सारी चीज़ें जो आज की वीडियो में देखेंगे वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और इसका एक पार्ट और लेके आऊँगा, जो मैं उसमें मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊँगा जो डिटेल में वहाँ पर क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पूछते हैं कि स्थानीय मान निकालने के लिए पूछ लेता है, वास्तविक मान निकालने के लिए पूछ लेता है, कोई संख्या दे देगा उसके इकाई का अंक पूछ लेगा कि इसके इकाई का अंक क्या होगा, इस तरीके की जो क्वेश्चंस होते हैं वो अगली वीडियो में लाऊंगा। आज मैं पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा यहाँ पे, उसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि थ्योरी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल तभी आप कर पाएंगे जब आप थ्योरी अच्छे से तैयार कर चुके होंगे। तो अब देर नहीं करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से संख्या संख्या पद्धति, ठीक है, यानी कि नंबर नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के बारे में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में बता दिया है कि नंबर सिस्टम होता क्या है, और संख्याओं को प्रदर्शित करने का जो तरीका है उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। और इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही सीखते हैं कि संख्याओं को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। सारी चीज़ें जो सम संख्या हैं, विषम संख्या हैं, अभाज्य संख्या हैं, भाज्य संख्या हैं, वो सारे तरीके जो हैं आपके संख्याओं को प्रदर्शित करने के तरीके होते हैं। तो एक एक चीज़ें बारीकी से ध्यान दीजिएगा, पूरी चीज़ मैं बताऊँगा। अगर नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ तो ऐसी कोई चीज़ नहीं छूटेगी जो नंबर सिस्टम में मैं ना पढ़ाऊँ, चाहे वो 4 पार्ट बने 5 पार्ट बने, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा पूरा। तो यहाँ पे नंबर सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैंने बता दिया आप लोगों को कि सारी चीज़ें लगभग जो इंपॉर्टेंट हैं वो कुछ चीज़ें उसमें से पढ़ चुके हैं। जैसे आप लोगों को मैंने बता दिया था रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी संख्याएं, सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। तो और वहाँ पर मैंने आप लोगों को कुछ इंटीजर के बारे में भी बताया था, यानी कि पूर्णांक संख्याओं के बारे में बताया था। पूर्णांक संख्या क्या होती हैं, अगर पूर्णांक संख्याओं के बारे में हम डिस्कस करें, पूर्णांक संख्याएं, ठीक है फ्रेंड्स,
पूर्णांक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याओं को हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स ठीक है। इंटीजर्स कितने टाइप्स के होते हैं? अगर यहां पे आपसे पूछ लेता है कि पूर्णांक संख्याएं अगर हैं तो वो किस टाइप की, कितने टाइप की होती हैं, तो पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। आज के बाद आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए, जिसको मैथ आती है उसको तो सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन ये सोचिए कि आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में 5 नंबर 10 नंबर भी नहीं पाते हैं 30 में से, तो उन लोगों को अगर तैयारी नहीं है तो उन लोगों को कैसे तैयारी की जाए, कराई जाए? उन लोगों को आसान तरीके से शुरू किया जाएगा, धीरे धीरे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाएगा, उसी के बाद जाके उनको एडवांस लेवल पे लिया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं जो बेसिक बताता हूँ उन्हीं बच्चों के लिए बताता हूँ, नहीं तो मैं डायरेक्ट एडवांस लेवल पे चला जाऊँगा तो सभी लोगों को, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं बताऊँगा, कोई जल्दीबाजी नहीं। मैं उस एक लड़के के लिए भी पढ़ाऊँगा जो जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है। तो यहाँ पे देखिए पूर्णांक संख्याओं के बारे में बात की जाए तो पूर्णांक संख्याएँ दो तरीके की होती हैं। पहली होती है सम संख्या, सम संख्याएं, ठीक, यानी कि इवन इवन नंबर्स, ठीक, सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर इसको कहते हैं। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है विषम संख्याएं। पहला होता है सम संख्या पूर्णांक में, दूसरा होता है विषम संख्याएं, ठीक, इसको क्या कहते हैं हम विषम संख्याओं को? ऑड नंबर, ठीक। सम संख्याओं को हम कहते हैं इवन नंबर, विषम संख्याओं को हम कहते हैं ऑड नंबर। अब यहाँ पे सम संख्याओं और विषम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। ज़्यादातर लोगों को पता भी होगा, ये एक अच्छा 5 से 6 की चीज़ें हैं। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हों। अब इसका मतलब जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को परिभाषा, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में, इसको ध्यान से लिख लीजिएगा, उसको समझने की कोशिश करिए। कोई परिभाषा अगर आप लिख रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करिए कि वो परिभाषा कह क्या रही है। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हों, विभाजित तो हों लेकिन पूर्ण रूप से, यानी कि पूरी की पूरी कट जाए, ठीक है। तो कौन कौन सी संख्या होगी जो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी? 2, 4, 6, 8 और 0, जिस संख्या के लास्ट में 0 होगा वो पूर्ण रूप से विभाजित होगी। तो ये इसका लिखने का मतलब क्या है, 2, 4, 6, 8, 0, इसका लिखने का वो मतलब है कि 2 जिस संख्या के लास्ट में होगी या फिर स्वयं 2 जो लिखा होगा, जैसे 2 है तो 2/2 करेंगे तो क्या आएगा, पूर्ण रूप से विभाजित, 2 × 1 = 2 कट जाएगा। तो उसी तरीके से 4 है तो 2×2 = 4 कट जाएगा पूरा का पूरा, 6 × 2 = 6, 2×4 = 8, और अगर इसी को हम 10 लिख दें, 0 को हम 10 लिख दें तो 2 से अगर काटेंगे तो 2×5 = 10, ये भी कट जाएगा। तो इसको लिखने का मेरा मतलब है कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 आए, वो सारी की सारी संख्याएं सम संख्याएं होंगी, वो सारी की सारी संख्याएं 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं हम, एग्जांपल यहाँ पे सम संख्याओं का एग्जांपल देख लीजिए। जैसे कोई संख्या दे दी गई है 3, 2, 6, 8, अगर आपसे पूछ लेता है कि ये जो संख्या है 3, 2, 6, 8 ये सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो क्या करेंगे आप, ये लास्ट की संख्या देखिएगा, लास्ट में 2, 4, 6, 8 या फिर 0 में से कोई भी संख्या यहाँ पे दिखे आपको तो तुरंत बताइए कि हाँ ये सम संख्या है, ठीक। इस तरीके से आप सम संख्या को चेक कर सकते हैं। लास्ट वाली संख्या को देखिएगा, कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे ये संख्या है 5, 7, 3, 2, 0, अगर ये पूछे कि ये सम संख्या है कि विषम संख्या, तो ये भी आपकी सम संख्या है क्योंकि इसके भी लास्ट पोजिशन पर इन्हीं में से एक संख्या है 0। ये हो गया सम संख्याएं। अब आते हैं हम विषम संख्याओं की तरफ। विषम संख्याएं किसको कहते हैं, इसका भी मैं परिभाषा बता रहा हूं, इसको भी आप लिख लीजिएगा। विषम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित तो होती हैं लेकिन पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं। तो इसको आसान शब्दों में कैसे कहेंगे, वे सभी संख्याएं
वे सभी धनात्मक संख्याएं यहाँ पे, जब यहाँ पे इंटीजर की बात की जा रही है, पूर्णांक संख्याओं की बात की जा रही है, तो यहाँ पे धनात्मक संख्याओं की बात की जा रही है, ठीक है फ्रेंड्स, ऋणात्मक की बात नहीं की जा रही है। तो वह सभी विषम संख्याओं की परिभाषा है, वे सभी संख्याएं, वे सभी धनात्मक संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती हैं, वो सारी की सारी संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं। देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था 2, 4, 6, 8 और 0 जिस संख्या के लास्ट में हो वो सम संख्याएं होती हैं, उसी तरीके से 1, 3, 5, 7 और 9 जिस संख्या के अंत में होगा वो सारी की सारी संख्याएं कैसी होंगी, विषम संख्याएं होंगी। यानी कि आपको पता है कि आप एक को कट करेंगे दो से तो क्या पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। तीन को कट करेंगे दो से तो पूरा कटेगा, नहीं कटेगा। 3/2 करेंगे तो 2 × 2 एक बार जाएगा, लेकिन शेष फल भी एक बचेगा। जब शेष नहीं बचता तो वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। जब शेष बचेगा तो उसको ये कहेंगे कि वो पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा है। विभाजित तो हो रहा है लेकिन पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होगा। जो संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होंगी वो सारी की सारी संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याएं होंगी। जैसे अगर यहां पे कोई संख्या आपको देता है 6, 7, 8 और यहां पे बोल देता है 9, तो ये पूछता है आपसे कि सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट चेक करिएगा, ये वाली डिजिट क्या है, ये 9 है, विषम संख्या के अंतर्गत आती है, तो ये संख्या पूरी की पूरी संख्या हो जाएगी विषम संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूं आप लोगों को सम संख्या क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं, विषम संख्या क्या होती है, कैसे फाइंड करते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं, हम इसको रफ कर देता हूं, इसको आप नोट करना, नोट कर सकते हैं। वैसे आपको सभी कोई भी अगर आपके पास बुक है तो उसमें आसानी से आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरा बस ये कार्य था कि आप लोगों को समझा सकूं अच्छे से। अब इसको मैं रफ करता हूं, इसको मिटा देता हूं। उसके बाद देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा सम संख्याओं विषम संख्याओं के बारे में, उसको भी आप अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक कंसंट्रेशन बना के 30 मिनट लगभग कंसंट्रेशन बना के रखिए, जिससे आप लोग कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं, इस वीडियो को ही नहीं बोल रहा हूँ, जब भी आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जितने टाइम तक पढ़ाई करिए उतने टाइम तक कंसंट्रेशन बना के रखिए। अब है यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है। कोई संख्या दे देगा उससे आपका जो अभी मैं बताऊंगा आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोल रहा हूं। यहां पे देगा अगर सम संख्या, कोई सम संख्या कोई दे देगा, जोड़ने के लिए दे देगा उसमें आपको विषम संख्या, विषम संख्या दे देगा, तो क्या आएगा, अगर हम सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ें तो क्या आएगा। छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके छोटा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बड़ा क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा कि सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, और सम संख्या को जोड़ते हैं जब विषम संख्या से तो क्या आता है, तो वो सारी चीजें सभी वैल्यूज पे अप्लाई करती हैं। तो यहां पे सम संख्या क्या होती है, मान लीजिए यहां पे रखते हैं 2, विषम संख्या क्या है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 रख लीजिए, तो क्या होगा, 2 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहां पे आपने क्या देखा, सम संख्या को विषम संख्या से जोड़ने पे क्या आता है, विषम संख्या आती है। 3 क्या है आपकी, 1 विषम संख्या है, ठीक, विषम संख्या। यहां पे देखिए सम संख्या प्लस विषम संख्या क्या आएगा, विषम संख्या। इसी तरीके से क्या बन सकता है, सम संख्या प्लस सम संख्या, इसका बताइए। सेम एग्जांपल आप रख सकते हैं, छोटा सा वैल्यू रख लीजिए, 2 को 2 से जोड़ दीजिए क्या आएगा, 2 को 2 से जोड़ेंगे क्या आएगा, 4, जो कि क्या है, आपको मैंने बताया था जब सम संख्या बताई थी 4 भी उसमें था, 2, 4, 6, 8, 0, तो क्या है, 2 भी 4 भी आपका सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। यानी कि सम संख्या को जब हम सम संख्या से जोड़ते हैं तो क्या आएगा, हमारा सम संख्या आएगा। अब तीसरा बचता है क्या तरीका, जहां पे हमको दे देगा विषम संख्या, दे देगा आपको
जोड़ने के लिए बोल देगा विषम संख्या में। यहां पे क्या आएगा, कोई भी एग्जांपल रख के देख सकते हैं, तीन है आपकी विषम संख्या, उसको जोड़ेंगे दूसरी विषम संख्या तीन से, तो क्या आएगा, छह आएगा। छह क्या है, आपका सम संख्या है। तो इससे क्या पता चला, विषम संख्या को जब हम विषम संख्या से जोड़ते हैं तो क्या आता है, सम संख्या आती है। ठीक, ये तीनों चीजें नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे मैंने छोटी छोटी वैल्यू रख के चेक किया है, लेकिन यहां पे छोटी वैल्यू आपके एग्जाम में नहीं आएगा, वहां पे बड़ी बड़ी वैल्यू पूछ लेगा, जैसे कि 3220 और 3321, इस दोनों संख्याओं को जोड़ने पे क्या आएगा, विषम संख्या आएगा कि सम संख्या आएगा, इस तरीके से आपके एग्जाम में पूछ लेगा। इसको नोट कर लिए हो तो इसको मैं रफ करूंगा। अब यहां पे बीच की चीजें मैं डिलीट करता हूं, बस ध्यान से देखिए, क्योंकि अभी उन्हीं चीजों पे फिर से डिस्कस करना है हमको। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पे देखिए आपके सामने क्या है, सम संख्या है। अब यहां पे गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। सम संख्या को विषम संख्या से गुणा करने पे क्या पता चलेगा, क्या आएगा, सम संख्या यानी कि यहां पे दो रख लीजिए, गुणा करिए विषम संख्या तीन से, तो क्या आएगा, तीन का गुणा दो में करेंगे तो क्या आएगा, छह आएगा। छह कैसी संख्या है, सम संख्या है, सम संख्या। तो क्या पता चला, सम संख्या को जब विषम संख्या से गुणा करेंगे तो सम संख्या आएगी। ठीक, अब दूसरा क्या है, सम संख्या को जब हम गुणा करेंगे सम संख्या से तो क्या आएगा, सम संख्या को जब गुणा करेंगे सम संख्या से तो तुरंत गुणा करके देख लीजिए, दो का गुणा हम किसमें करेंगे, दो में करेंगे, क्या आएगा, दो का गुणा दो में करेंगे तो चार आएगा। तो चार क्या है, कैसी संख्या है, सम संख्या। तो हमको क्या पता चला कि जब हम सम संख्या को सम संख्या से गुणा करते हैं तो कैसी संख्या मिलती है, सम संख्या मिलती है। तीसरा देखते हैं, जब विषम संख्या को हम गुणा करेंगे विषम संख्या से, ठीक है, जब विषम संख्या का हम गुणा करेंगे विषम संख्या, यानी कि यहां पे रख लीजिए तीन का गुणा हम करते हैं तीन में, तो क्या मिलेगा, तीन त्रिका नौ, नौ कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो हमको पता चल गया कि जब हम विषम संख्या का गुणा करते हैं विषम संख्या में तो हमको मिलता क्या है, विषम संख्या मिलती है। इन तीनों चीजों को भी आप जल्दी से नोट कर लीजिए, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये सारी चीजें हो गई सम संख्याओं के बारे में और विषम संख्याओं के बारे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, क्योंकि सबसे ज्यादा इन्हीं पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूं, इस पॉइंट में सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। अब वो पॉइंट आप सभी को लगभग पता चल गए होंगे किस तरीके की संख्या के बारे में यहाँ पे बात कर रहा हूं। सबसे ज्यादा अगर बच्चों को नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम होती है तो किस पे प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है अभाज्य संख्याओं के ऊपर। अगला है हमारा अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। ठीक, अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। अब सबसे पहले यहां पे हम जान लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अगर आपसे कोई पूछ लेता है, डिफिनेशन पूछ लेता है यानी कि परिभाषा पूछ लेता है कि अभाज्य संख्याओं की परिभाषा क्या है, तो आप क्या बताएंगे, आपको बताना है वे सभी धन पूर्णांक जो एक से कटे, एक नंबर न्यूमेरिक वन एक, या फिर स्वयं से कटे, एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, ठीक, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स। क्या पता चला आपको, प्राइम नंबर की परिभाषा क्या पता चली, वे सभी धनात्मक पूर्णांक जो एक से कटे या फिर वो स्वयं से कटे, वो सारी की सारी संख्याएं प्राइम नंबर्स होती हैं। बस इसमें एक कंडीशन होता है, इसमें जो आपके गुणनखंड होंगे यानी कि गुणनखंड कहिए इसको, इसमें गुणनखंडों की संख्या क्या होनी चाहिए, दो होनी चाहिए।
फैक्टर्स जो होने चाहिए, प्राइम नंबर्स के फैक्टर जो होने चाहिए वो दो फैक्टर होने चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। इसी वजह से आपको पता होना चाहिए कि एक हमारा जो है नंबर वन जो है एक वो है वो प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। एक जो वैल्यू है एक दो तीन चार वाली, वो एक जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो एक से तो कटता है और स्वयं से भी कटता है, लेकिन जब यहाँ पे फैक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पे एक के कितने फैक्टर होंगे? एक जो कटेगा एक से कट रहा है और स्वयं भी वो एक है तो कट रहा है, लेकिन जो फैक्टर है वो दो नहीं फैक्टर हैं इसके, एक जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो एक ही है, इसलिए यहाँ पे एक को हम प्राइम नंबर की श्रेणी में नहीं रखते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि एक को हम प्राइम नंबर की श्रेणी में क्यों नहीं रखते हैं। नंबर जो प्राइम नंबर होते हैं उनका कंडीशन जो होता है दूसरा वाला कंडीशन, कि उनके जो फैक्टर्स होने चाहिए वो दो फैक्टर्स होने चाहिए, एक तो एक होना चाहिए, एक स्वयं वो वैल्यू होनी चाहिए, ये तो हो गया एक फॉलो कर रहा है उसको, लेकिन जो दो फैक्टर हैं, दो अलग अलग फैक्टर हैं वो होने चाहिए, जो कि जो नंबर एक है वो फॉलो नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से एक प्राइम नंबर नहीं है। अगर यहाँ पे पूछता है आपसे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी है? तो यहां पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है दो। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, जब मैंने भी सीटेट का एग्जाम दिया हुआ था उस टाइम पे भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? प्राइम नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टू है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, वहां पे एक भी देगा, एक प्राइम नंबर नहीं होता है। आपको मैंने बता दिया क्यों नहीं होता, ये भी दिखा दिया यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका सबसे छोटी प्राइम नंबर के बारे में मैंने यहाँ पे बताया। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछता है, इसको मैं रफ कर देता हूँ जिससे मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा वो लिखने में थोड़ी सी आसानी होगी। एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया अभाज्य संख्याओं के बारे में कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो एक है। ठीक है, अब यहाँ पे बात की जाए, पूछ लेगा आपसे सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या के बारे में अगर पूछता है कि कौन सी संख्या सम अभाज्य संख्या है, तो केवल दो ऐसी जो है सम संख्या जो कि प्राइम नंबर है, अकेला सम संख्या जो है दो, वही अकेला प्राइम नंबर है। दो के अलावा ऐसा कोई सम संख्या नहीं है जो प्राइम नंबर है, समझ गए? दो के अलावा कोई ऐसी ऐसा नंबर नहीं है जो कि अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया, ये एक पॉइंट हो गया आप लोगों के लिए। ठीक, अगला पॉइंट देखिएगा आप लोग, अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी यहां पे देखिए मैं लिख दे रहा हूं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है तीन। ठीक, अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो हो जाएगा दो। पूछता है सम जो अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो भी दो होगा। लेकिन अगर पूछता है कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है विषम कौन सी है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो तीन होगा इसका आंसर। ठीक है, कुछ इसमें और पॉइंट देख लेते हैं अभाज्य संख्याओं के बारे में। अगर यहाँ पे पूछता है कौन सी ऐसी क्रमागत संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं, तो एक ही ऐसी क्रमागत संख्या है, तीन, पांच और सात। इसको नोट कर लीजिएगा, तीन, पांच, सात क्रमागत विषम संख्याएं हैं जो कि अभाज्य संख्याएं हैं। तीन, पांच, सात के अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो क्रमागत संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्याएं, और वो अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, ये एक पॉइंट हो गया। तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। आशा करता हूँ आप लोगों को अभाज्य संख्याओं के बारे में यानी कि प्राइम नंबर्स के बारे में सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे मैंने जो सारी चीज़ें बताई उसको आप रीड करिएगा, उसको समझने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ आया तो वीडियो फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, रिपीट करके देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये हो गया दोस्तों आपके अभाज्य संख्याओं के बारे में। एक चीज़ और है, यहाँ पे आप नोट कर लीजिएगा,
जो भी अभाज्य संख्याएं होंगी, जैसे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, 7, 11, 13, 17, ये सारी कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगा, तीन से बड़ी, तीन से बड़ी अभाज्य संख्याएं जो भी होंगी, चाहे वो 5 हो, 7 हो, 11 हो, 13 हो, 17 हो, जो भी संख्याएं होंगी तीन से बड़ी अभाज्य संख्याएं, वो सभी की सभी 6 से +1 या फिर 6 से -1 के फॉर्म में होंगी। जैसे कि यहाँ पे 7 की बात की जा रही है ना, 7 कैसे लिख सकते हैं, 7 को 6 + 1। यहाँ पे 11 की बात की गई है, 11 को कैसे लिख सकते हैं, 6 × 2 - 1, 12 हो जाएगा -1, तो यानी कि ये भी 6 के फॉर्म में है, 6 का गुणा ही 2 बार कर रहे हैं। इसके बाद क्या लिखा था हमने, 13 लिखा था, 13 को कैसे लिख सकते हैं, 6 × 2 + 1। 17 को कैसे लिख सकते हैं, 6 × 3 - 1। तो यहाँ पे देखिए +1 - 1 + 1 - 1 किसमें, 6 में ही कर रहे हैं, यहाँ पे भी 6 में किए, यहाँ पे भी 6 में किए, यहाँ पे भी 6 किए हैं, बस गुणा हो रहा है। तो जब गुणा होता है मतलब कि वो 6 ही हो रहा है दोबारा। तो यहाँ पे जो भी संख्याएं होंगी, जो भी अभाज्य संख्याएं जो तीन से जब बड़ी बड़ी होंगी, चाहे वो 5 हो, 5 भी आपका 6 से -1 1 है, चाहे वो 7 हो, जितनी भी संख्याएं होंगी अभाज्य संख्याएं, वो सभी की सभी 6 + 1 या फिर 6 - 1 के फॉर्म में फॉर्म करेंगी वो। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जो भी संख्याएं आपकी 6 + 1 या फिर 6 - 1 के फॉर्म में हो, वो सारी की सारी अभाज्य संख्याएं हों। जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करिएगा, जो भी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी वो तो 100% तीन से जो बड़ी होंगी वो 100% 6 + 1 या फिर 6 - 1 फॉर्म करेंगी। लेकिन जरूरी नहीं कि जो 6 + 1 या फिर 6 - 1 फॉर्म करें वो सभी की सभी अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे कि एग्जाम्पल 25, इसको लिख सकते हैं ना हम 6 × 4 + 1, तो क्या ये अभाज्य संख्या है 25? 25 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 25 स्वयं से भी कटता है, 1 से भी कटता है और 5 से भी कटता है। तो वहां पे 25 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन और यहाँ पे वो 6 + 1 का फॉर्म भी कर रहा है, लेकिन वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो मैंने समझाया वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम इसके बाद देखेंगे, इसके आगे का अभाज्य संख्याएं हमने देख ली। अभाज्य संख्याओं के बाद आता है हमारा अगला पॉइंट। क्या आता है अगला पॉइंट, अभाज्य संख्या हमने पढ़ा है, तो उसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं, ठीक है? तो जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं उसको आप नोट करते जाइए, उसकी कॉपी बनाते जाइए मैथ, क्योंकि आप लोग जब रिवाइज करेंगे उस टाइम पे आप जो नोट्स बनाए रहेंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका समय बचाने में, ठीक है दोस्तों? अब हम क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, अब हम डिस्कस कर रहे हैं भाज्य संख्याओं के बारे में। भाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, भाज्य संख्याओं को इसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याओं को हम कंपोजिट नंबर भी कहते हैं, ठीक है? इनको हम भाज्य संख्याओं को और क्या कहते हैं, यौगिक संख्याएं या फिर संयुक्त संख्याएं भी। भाज्य संख्याओं को नोट कर लीजिएगा, भाज्य संख्याओं को ही हम यौगिक संख्याएं या फिर संयुक्त संख्याएं भी कहते हैं। अगर यहाँ पे आपसे पूछता है कि भाज्य संख्याएं यानी कि कंपोजिट नंबर की परिभाषा अगर कोई पूछ लेता है तो क्या होगा, कंपोजिट नंबर वो सारे नंबर होते हैं जो एक से कटें, ठीक, जो एक से कटें, स्वयं से कटें और इसके अलावा किसी भी नंबर से कटें, स्वयं से कटें, एक से कटें और इसके अलावा किसी भी नंबर से कटें, वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। अभी मैं समझा रहा हूं, अगर आपको परिभाषा नहीं समझ में आई होगी तो मैं यहां पे समझाऊंगा, वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। भाज्य संख्या क्या होती हैं, जिनके गुणनखंड या तो एक हो, या तो वो स्वयं से कटे, या फिर किसी भी नंबर से, यानी का मतलब यहाँ पे नंबर से हो गया, एक से कटे या फिर स्वयं से कटे, तो आपका वो तो हो जाता है प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे भाज्य संख्याओं में क्या चेंज है, वो और भी किसी नंबर से भी कट सकता है, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या दिख रहा है,
एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर। अब यहाँ पे बात हो रही है अभाज्य संख्या में दो फैक्टर होते थे सिर्फ, अभाज्य संख्याओं में, अब भाज्य संख्याओं में क्या होगा, कम से कम तीन फैक्टर होने चाहिए, कम से कम यहाँ पे भाज्य संख्याओं में तीन गुणनखंड होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूँ, जिस संख्या के गुणनखंडों में, जिस संख्या के कम से कम तीन गुणनखंड हों, एक से कटे वो स्वयं से कटे या फिर उसके अलावा किसी भी एक नंबर से कटे, कम से कम तीन गुणनखंड होने चाहिए, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं, वो सारी की सारी कैसी संख्या होंगी, भाज्य संख्या होंगी, कंपोजिट नंबर्स होंगी। अब यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पे हम एग्जांपल की बात कर दें अगर चार की, चार एक नंबर है, अगर आपसे पूछता है कि ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट है नंबर, तो कैसे पता लगाएंगे, इसका फैक्टर निकाल लेंगे। चार किससे कटता है, एक से कटता है, चार स्वयं से भी कटता है, और चार किससे कटता है, चार आपका दो से भी कटता है। तो यहाँ पे कितने फैक्टर हो गए चार के, तीन फैक्टर हो गए, एक से भी कटा, स्वयं से भी कटा, और एक ऐसा कोई नंबर है जिससे वो कट रहा है, तो कैसा होगा ये नंबर, चार कंपोजिट नंबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो मैंने बताया कि भाज्य संख्याओं में कम से कम तीन गुणनखंड होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी गुणनखंड हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था भाज्य संख्याएं, अब आपको समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे जैसे हमने देखा था अभाज्य संख्याओं के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, वैसे यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देख लेते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात की जाए, छोटी भाज्य संख्या कौन सी होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी आपकी चार, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे जो छोटी भाज्य संख्या होती है वो आपकी चार होती है। आपसे एग्जाम में अगर पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या के बारे में बताइए, तो चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है, और चार कैसी संख्या है, सम संख्या है। अगर यहाँ पे आपसे पूछता है कि सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो क्या होगा, नौ होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है, लेकिन चार कैसी संख्या है, सम संख्या है। स्टार्टिंग मैंने सम विषम बताया, तो उसको आप ध्यान देंगे तो पता चल जाएगा। सबसे छोटी अगर विषम भाज्य संख्या की बात की जाए तो 9 है। कैसे 9 है, 9 को भी गुणनखंड करके देख लीजिए। 9 किससे कटेगा, एक से कटेगा, एक से सभी संख्याएं कटती हैं। 9 स्वयं से कटेगा, स्वयं से सभी संख्याएं कटती हैं। और 9 किससे कटेगा, 9 तीन से भी कटेगा। तो आपने यहां पे देखा कि 9 जो है एक से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है, और तीन से कट रहा है, तो कैसी संख्या है, ये आपकी भाज्य संख्या है, क्योंकि तीन फैक्टर हैं इसके, और तीनों फैक्टर यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सबसे छोटी विषम संख्या के रूप में इसको डिवाइड करती हैं। तो ये है दोस्तों आपका भाज्य संख्या। हमने भाज्य संख्याएं देख ली, अभाज्य संख्याएं देख ली, और यहाँ पे हमने सम संख्याएं देख ली हैं, विषम संख्याएं देख ली हैं। अब यहाँ पे आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बता दूं आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट सेशन जो होगा संख्या पद्धति का, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जितना भी आपने सीखा है अभी तक, वो सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को मिलेंगी, 100% देखने को मिलेंगी। और वहाँ पे हम देखेंगे, जैसे स्थानीय मान निकालना होता है, कोई संख्या दे देता है, स्थानीय मान निकालने के लिए बोल देता है, उसका वास्तविक मान निकालने के लिए बोल देता है। कोई संख्या जैसे दे दिया गया यहाँ पे 2, 3, 6, 4, इसमें बोल देगा कि 6 का स्थानीय मान निकालिए या फिर 6 का वास्तविक मान निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, ये सारी चीज़ें अगली वीडियो में देखेंगे। या फिर वहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे ये आता है, मान लीजिए आपसे बोल दिया कि 5 के पावर 12, इसमें इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा, तो ये कैसे निकालेंगे जल्दी से जल्दी। ये सारी चीज़ जो संख्या पद्धति में होती हैं, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तीसरे पार्ट में देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है मेरी
तो जरूर लाइक किया करिए, और अगर कोई चीज़ बुरी भी लगती है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें कि क्या चीज़ मैं सुधार सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप सभी को पता है मैंने अभी क्लासेज स्टार्ट की हैं बोर्ड पे। इसके पहले मैं कॉपी पेन से पढ़ाता था, यूट्यूब पे जो मेरी वीडियोस देखेंगे इसके पहले की सीटेट की उस पे मैंने कॉपी पेन से पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे जो लाइव इंटरेक्शन से मैं पढ़ा सकता हूँ आप लोगों को उसमें ज़्यादा ही अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकता हूँ। और अगर इंटरनेट यहाँ पे वाईफाई लग जाता है, अगर COVID-19 की थोड़े से केसेस कम होते हैं, सब चीज़ सही हो जाता है, तो इंटरनेट लगाने वाले यहाँ पे वाईफाई भी लगा देंगे, जिससे मुझे ये रिकॉर्ड करके आप तक नहीं पहुँचाना होगा, मैं लाइव आप लोगों तक वो सारी चीज़ें पहुँचा सकता हूँ। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक नए हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे तो मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे अगर आप लोग तो आप लोगों को लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप डेली बेसिस मेरी वीडियोस देखते हैं ध्यानपूर्वक, तो मैं आप लोगों के लिए जितनी मेहनत कर रहा हूँ उतनी मेहनत आप भी स्वयं के लिए अगर करेंगे तो आप लोगों का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो मैं डालूंगा यहाँ पे अपलोड करूंगा वो सारी की सारी वीडियो देखा करिए, पूरी देखा करिए, अगर देखना है तो पूरी देखिए, नहीं देखना है तो बिल्कुल मत देखिए, टाइम पास मत करिए सिर्फ। अगर 30 से 35 मिनट 40 मिनट की जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसको देख रहे हैं तो पूरा टाइम निकाल के एक बार में देखा करिए उसको, और उसका नोट बनाया करिए। नोट्स बनाएंगे तो जिससे दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं से लिखेंगे उस नोट्स में तो स्वयं से आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।